गुजरात के सूरत में किसान अब सड़ी सब्जी और सड़े फलों के जरिए बायोगैस बनाकर गुजरात गैस कंपनी को बेच रहे हैं। दक्षिण गुजरात के किसानों द्वारा संचालित एपीएमसी कचरे से बायोगैस तो पहले से ही बना रही थी, मगर अब उस बायोगैस को गुजरात गैस कंपनी को बेचकर लाखों रुपए की इनकम भी कर रही है। किसानों से बायोगैस खरीदकर गुजरात गैस कंपनी कन्वर्ट कर इसमें से सीएनजी बना रही है। ये जो साग भाजी का वेस्ट है उसमें से ये 50 टन के कैपेसिटी का बायोगैस प्लांट डाल के उसमें से जो गैस उत्पन्न होगा उसको गुजरात गैस में देंगे और उसमें से जो प्रवाह स्लरी आती है वो किसानों को हम 2 रुपये लीटर के हिसाब से उसके खेत में डालने के लिए देंगे। तो इसके हिसाब से 6 करोड़ की लागत से ये प्लान हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसमें राज्य सरकार की ओर से हमको 1 करोड़ 25 लाख का सब्सिडी मिला है और बाकी जो खर्चा वो एपीएमसी ने खुद किया है। यूं तो देश में कई जगह पर सब्जियों के वेस्ट में से बायोगैस उत्पन्न की जाती है, मगर गुजरात के सूरत के किसानों ने बायोगैस को सीएनजी के रूप में उत्पादित कर बाजार में बेचने की सिद्धि हासिल की है। पूरे गुजरात और देश में ये पहला एपीएमसी मार्केट ऐसा होगा कि इसने ये प्लान डाल के खेडूतों को और अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है उसका जो अपना जो क्लीन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको ये भी इसमें साकार हो रहा, क्योंकि सब्जी का जो वेस्ट है उसमें से अपने को ये गैस बनाने के साथ लिक्विड अपने किसानों को मिलेगा और किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा। देश में कुल 2487 एपीएमसी मार्केट है, जिनमें से गुजरात में 224 है। सूरत की एपीएमसी मार्केट में हर रोज हजारों की तादाद में दक्षिण गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के किसान भी अपनी सब्जी और फल बेचने आते हैं और उन सब्जियों में से वेस्ट भी निकलता है, उसी से बायोगैस और अब बायो सीएनजी का उत्पादन शुरू किया गया है, जो किसानों के लिए बेहद ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। किसानों की इस सिद्धि की तारीफ खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कर चुके हैं। एपीएमसी में एक पूरे देश में एक एपीएमसी ऐसी है कि वहाँ सूरत जिला, तापी जिला, गुजरात के अन्य जिले, दिल्ली से वटाणा, शिमला से मरचा, राजस्थान जोधपुर से गाजर, आंध्र प्रदेश से टोटापुरी कैरी, महाराष्ट्र से टमाटर प्याज, यानी एक ऐसा सब्जी मार्केट है कि पूरे कम से कम 14-15 राज्य में से भी माल आता है यहाँ और सूरत तापी डिस्ट्रिक्ट के सिवा गुजरात के अन्य जिले से भी यहाँ माल आता है और हर रोज का 3,000 टन सब्जी यहाँ आता है। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।